हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग बायोलॉजी चल रहे हैं फॉर ऑल एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए। तो ये बायोलॉजी के क्लास में हम लोग इंट्रो वाला पार्ट कर लिए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, कोशिका विज्ञान यानी सेल बायोलॉजी को देखेंगे। तो इसमें हम लोग अब यहाँ से सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं और इससे हर एक चैप्टर समझ में आ जाएगा आसानी से। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे, ये देखेंगे इसके बारे में, कोशिका के बारे में। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले सेल के अध्ययन यानी कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, कोशिका, कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं, साइटोलॉजी। तो ये हम लोग पहला टर्म जानेंगे कि साइटोलॉजी, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करते चलेंगे, आयुर्वेदिक के लिखते चलेंगे, यानी दूसरा चीज क्या होगा इसके बारे में हम जानेंगे। सेल का खोज कौन किए थे, तो सेल का खोज जो किए थे यानी कोशिका का खोज, कोशिका का खोज, अब इनके बारे में देखें, कोशिका का खोज किए थे रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। अब ये रॉबर्ट हुक के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान जाएं कि ये रॉबर्ट हुक क्या किए थे। तो रॉबर्ट हुक के बारे में देखें और इनके बारे में थोड़ा, यानी सेल को सबसे पहले ये क्या किए थे, कॉर्क लिए थे, डेड सेल कॉर्क लिए थे और उसका एक सेक्शन काटे थे। सेक्शन में जब ऐसे देखें तो ऐसे ऐसे आया स्ट्रक्चर यानी जाली टाइप का, मधुमक्खी के जाली टाइप का, इसी को प्रत्येक को क्या कहे थे, सेल कहे थे। लेकिन ये जो सेल खोजे थे ये क्या था, डेड सेल था, मृत था, जीवित सेल नहीं था। लेकिन सेल का तो खोज किए सबसे पहले, तो सबसे पहले सेल का खोज किए थे, इनके बारे में थोड़ा हम लोग जान जाए। तो इनको शब्द सेल, शब्द सेल जिसको हम लोग कोशिका कहते हैं, कोशिका इन्होंने दिया था। तो देखिए सेल का खोज भी किए थे रॉबर्ट हुक, सेल शब्द भी दिए थे, टर्म सेल यही दिए थे, सेल का खोज यानी कोशिका की खोज इन्होंने ही किया था रॉबर्ट हुक। फिर इसके बारे में एक चीज और याद रखेंगे, इनके बारे में इनकी एक पुस्तक थी जिसके से जानकारी मिली, पुस्तक का नाम था माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया, ये पुस्तक का नाम याद रखेंगे, माइक्रोग्राफिया, ये इनकी पुस्तक। तो रॉबर्ट हुक के बारे में हम लोग क्या जाने, सबसे पहले सेल के बारे में जान लेते थे, सेल का खोज कौन किया, रॉबर्ट हुक। ये 1665 का घटना है, ये अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ये 1665 का घटना है, 1665 का। अब ये देखें, ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है इनके पुस्तक का नाम याद रखना जरूरी है, माइक्रोग्राफिया, ये पुस्तक का नाम जरूर याद रखें, माइक्रोग्राफिया। दूसरा शब्द सेल कौन दिया, रॉबर्ट हुक। और एक और चीज, इन्होंने जो खोजा था वो खोजा था मृत कोशिका, तो इन्होंने मृत कोशिका की, मृत कोशिका सेल, इन्होंने, हम सेल बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि इन्होंने सेल टर्म का इस्तेमाल किया था ना कि कोशिका, हम लोग हिंदी में उसको कोशिका जानते हैं। मृत कोशिका की खोज सबसे पहले, तो सबसे पहले जो ये काम किए थे, जो रॉबर्ट हुक के बारे में हम लोग इतना याद रखेंगे कि आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं कि रॉबर्ट हुक क्या किए थे, सेल कॉर्क सेल लिए थे, कॉर्क सेल का सेक्शन काटे थे, सेक्शन काटने के बाद उसको माइक्रोस्कोप से देखे थे, माइक्रोस्कोप से देखे तो उसको क्या देखें उसमें कि एक मधुमक्खी का छत्ता जैसे दिखा, तो प्रत्येक को सेल कहे थे वो, और तो सेल का खोज हो गया वहां से, लेकिन वो डेड सेल था। तो मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, माइक्रोग्राफिया पुस्तक किसने लिखी, रॉबर्ट हुक, और याद रखेंगे कोशिका का भी खोज तो वही किए, और शब्द सबसे पहले शब्द जो कोशिका दिए थे वही। अब यहाँ से एक सवाल आता है, तो फिर जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, उसको भी हम लोग देखते हैं यहाँ से। अब यहाँ से देखेंगे जीवित कोशिका, याद रखें तो जीवित कोशिका की खोज
जीवित कोशिका की खोज। सबसे पहले अब ये याद रखें, यानी सबसे पहले कौन खोजा था जीवित कोशिका, तो वो थे एंटोनी वॉन लीवरमैन। इनका नाम आप लोग याद रखेंगे, एंटोनी वॉन लीवरमैन, एंटोनी वॉन लेवन हो अंग्रेजी में लिख देते हैं, लेवन हो देखिए। तो इनके बारे में भी कुछ हम लोग जाने, एंटोनी वॉन लीवरमैन हुक के बारे में क्या जाने कि उन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की। सबसे पहले कोशिका की खोज नहीं की, सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक थे, ये रॉबर्ट हुक थे, ये याद रखेंगे ये टर्म। सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, और वो मृत कोशिका था, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। तो इनके बारे में याद रखेंगे कि इनको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे इनके बारे में एक टर्म छोटा उसको हम लिख देते हैं यहाँ, इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं, इनको कोशिका विज्ञान के पिता, कोशिका विज्ञान के पिता भी कहा गया। इनके बारे में क्या है, एंटोनी वॉन लीवरमैन को इन्होंने सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी का अध्ययन किया और बैक्टीरिया पर इसका इस्तेमाल किया था, तो इन्होंने क्या किया, फादर ऑफ माइक्रो यानी सूक्ष्म जीव के अध्ययन को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, सूक्ष्म जीव याद रखेंगे यानी माइक्रोबायोलॉजी उसके पिता कहा गया। और ये इसलिए क्योंकि ये बैक्टीरिया का अध्ययन कर रहे थे, तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी इन्हीं को कहा गया, फादर ऑफ बैक्टीरियो, ये दिख रहा होगा बैक्टीरियोलॉजी, यानी बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। तो यहाँ पे देखें ये क्या है, और इनके साथ एक और कंडीशन आपको याद रखिएगा, माइक्रोस्कोप का खोज इन्होंने ही किया था, माइक्रोस्कोप सिंपल, यानी जो तीसरा याद रखिएगा माइक्रोस्कोप की खोज। अब माइक्रोस्कोप अलग अलग टाइप्स के होते हैं, साधारण, फिर आपको हो जाएगा कंपाउंड, फिर आपको हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर हो जाएगा फेज कॉन्ट्रास्ट, माइक्रोस्कोप की खोज। तो आप यहाँ दो टर्म में क्या देखें, सबसे पहले देखें कि हम लोग क्या सेल के कोशिका का अध्ययन कर रहे थे, तो कोशिका को सबसे पहले खोजा कौन, तो ये थे रॉबर्ट हुक, ये जो खोजे थे वो मृत कोशिका हो गया, तो रॉबर्ट हुक के बारे में कुछ जानकारी कर लेंगे, कोशिका विज्ञान के पिता है, टर्म शब्द कोशिका भी इन्होंने ही दिया था और कोशिका की खोज इन्होंने ही किया था, फिर जो ये किया था मृत कोशिका, और इनका एक पुस्तक था माइक्रोग्राफी। ठीक उसी तरह जीवित कोशिका की जब खोज के बारे में पूछा जाएगा सबसे पहले, तो एंटोनी वॉन लीवरमैन इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्मदर्शी जीवों का अध्ययन कर रहे थे जिसमें बैक्टीरिया ज्यादा था, तो इसीलिए इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा गया था, बैक्टीरिया का अध्ययन किए थे, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव, थोड़ा सा आगे हम लोग डिटेल पढ़ेंगे तो आ जाएगा ये माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोस्कोप का खोज भी एंटोनी वॉन लीवरमैन किए थे। फिर अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि इधर सेल थ्योरी यानी सेल सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल थ्योरी। अब इसके बारे में थोड़ा जाने कि दिया कौन था, तो सेल थ्योरी जो दिए थे स्लाइडेन एंड स्वान, ये 34 से लेकर 38 तक काम किए थे, दोनों आदमी जियोलॉजिस्ट और बोटनिस्ट हैं। तो थोड़ा सा जानने दिया कौन था, तो स्लाइडेन और
स्लाइडेन और स्वान। स्वान ने सेल थ्योरी दिया, सेल थ्योरी दिया था। अब क्या जाने हम लोग कि सेल थ्योरी दिया तो क्या बताया सेल के बारे में, क्योंकि सेल का यहां तो हो चुका है तो जीवित सब। तो इन्होंने बताया सेल में कि जो सेल थ्योरी है इसके अंदर जितने भी एनिमल और प्लांट बॉडी है वो सारे सेल से बने हैं, एक या एक से ज्यादा, यानी एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है पहला। दूसरा बनाए कि जितने भी बॉडी है उन सारे का शरीर किससे बना है, सेल से। तो पहली बार क्या बताया कि एक या एक से अधिक सेल, फिर बॉडी किससे बना, सेल से, यानी सेल को फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट कहा गया, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई किसको कहा जाता है, शरीर का, बॉडी का, सेल को, वो हम लोग यहां पे लिखेंगे। तो यहां लिख ही देते हैं शरीर के फंक्शनल यानी कार्यात्मक और स्ट्रक्चरल यूनिट। संरचनात्मक इकाई कौन है, कोशिका, कोशिका है, सेल है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल कोशिका, सेल है, या संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई कौन है, सेल। तो इन्होंने बताया, फिर ये बताया कि सिर है वो शरीर का मेन फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट कौन है, तो ये है ये कोशिका। तो इन्होंने बताया ये। दूसरा बताया एक कोशिकीय बहुकोशिकीय सेल के बारे में बताया, यहां लिख देते हैं सारे शरीर, थोड़ा लिख ही देते हैं एक में, सारे शरीर का निर्माण कोशिका से हुआ है, निर्माण कोशिका से हुआ है, एक कोशिकीय, एक कोशिका, एक सेल वाले क्या कहलाए, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय और मोर देन वन सेल, बहुत सेल मिलके क्या बना लिए, बहु कोशिकीय, बहु कोशिकीय, ये भी याद रखेंगे। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। ये दूसरा चीज ये क्या बताए कि सेल के निर्माण में केंद्रक का भूमिका ज्यादा होता है, सेल के यानी कोशिका के निर्माण में न्यूक्लियस यानी केंद्रक की भूमिका होती है। दूसरा, तीसरा, एक तो ये टर्म उन्हीं का इस्तेमाल किया हुआ है, सबसे छोटी इकाई यही है, शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन है, सेल है। और यहां पे वो ये नहीं बता पाए थे कि नए सेल का निर्माण कैसे होता है, यानी जो नए सेल का निर्माण होगा ये लोग नहीं बताए थे। तो ये इनका दोष हो गया, इनके एक्सेप्शन यहां पे लिख लेते हैं, अपवाद, इन्होंने जो बताया था उसका अपवाद क्या था, वायरस, बैक्टीरिया। तो ये दो टर्म याद रखेंगे, सेल थ्योरी का एक्सेप्शन कौन है, वायरस, सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है वायरस। अब ये वायरस है, यहीं पे इसके साथ याद कर लेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग का ये लिंक है, यहीं पे हम लिख देते हैं दोनों के बीच का ये लिंक है, लिंक बिटवीन लिविंग
सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी कौन है? वायरस, लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये आपको दिख रहा होगा। तो वायरस एक्सेप्शन है। तो फिर क्या हुआ? ये घटना है 38 से 39 तक का। तो फिर क्या हुआ, कैसे समाधान हुआ कि नया सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो एक साइंटिस्ट आए रुडोल्फ भर्चो, इस अपवाद को दूर किए कौन? रुडोल्फ भर्चो। रुडोल्फ भर्चो इन्होंने एक टर्म दिया और कहा कि नए सेल का निर्माण पुराने सेल से ही होता है। नए कोशिका का निर्माण कहां से, किससे होता है? पुराने कोशिका से। तो एक टर्म दिए, इस टर्म को याद रखेंगे, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेला ई सेलुला। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, ये हमेशा याद रखेंगे इस टर्म को, ओमनी सेला ई सेलुला। तो ये क्या है, बस ये समझे। इसी टर्म से उन्होंने बताया कि नए सेल का निर्माण पुराने सेल से होता है, नए कोशिका का निर्माण, नए कोशिका का निर्माण निर्माण पुराने पुराने कोशिका से होता है। तो ये टर्म याद रखेंगे। एक चीज हो गया कि प्री एग्जिस्टिंग सेल यानी जो नए कोशिका होंगे वो पुराने डेड करेंगे, उसी से ही नए कोशिका का निर्माण होता है, ये अब सेल थ्योरी का ये समाधान करते हैं। तो यहां तक हम लोग क्या देखें, रॉबर्ट हुक के बारे में, लिवन हुक के बारे में, और कुछ स्लाइडन और स्वान के द्वारा दिया गया ये सेल थ्योरी के बारे में। इस टर्म को याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है, एमजे स्लाइडन, पीएच स्वान, ये सबसे बीबीआई है, ये टर्म याद रखेंगे। कौन दिया था? तो एमजे स्लाइडन और स्वान द्वारा सेल थ्योरी दिया गया। ये क्या आप बोले थे कि सारे शरीर का निर्माण सेल से हुआ है, एक सेल वाले को एक कोशिके, एक से ज्यादा वाले को बहुकोशिकीय सेल कहते हैं, उसके निर्माण में सेल की भूमिका होती है। फिर इस टर्म का भी शरीर में सबसे, शरीर का सबसे छोटा यूनिट कौन होता है? सेल होता है, ये भी याद रखेंगे। और उनका एक्सेप्शन वायरस और बैक्टीरिया था। वायरस को हम लोग क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का कड़ी कौन होता है, यानी जीवित सजीव भी है और निर्जीव भी है कौन? ये वायरस, ये होता है, ये टर्म याद रखेंगे। और ये एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का, पूछा जाएगा सेल थ्योरी का एक्सेप्शन कौन है, तो ये वायरस बैक्टीरिया। और सेल थ्योरी का जो एक्सेप्शन यानी जो अपवाद था, इन नए सेल का निर्माण पुराने सेल से होता है, ये दे दिए, यानी नए सेल का निर्माण इसमें नहीं बताया गया था और ये बता दिए, तो ये टर्म का समाधान हो गया। तो आप लोग इसको लिखे, ऐसे में आप लोग को इसका ये पीडीएफ मिल जाएगा लिखा हुआ अच्छा से। फिर भी अगर समझ रहे हो तो इसके बाद हम लोग थोड़ा सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, कुछ कंपोनेंट देखेंगे, इसको हटा देते हैं हम। अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर सकते हैं, हटाते हैं हम इसको। अब हम लोग देखेंगे सेल का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल का संरचना, उसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। सेल का संरचना, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर मेन कंपोनेंट ऑफ सेल, सेल के सारे बारे में देखेंगे। अब सेल का संरचना देख रहे हैं, कोशिका का संरचना, कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो हम लोग क्या देखेंगे, देखें यहां पर सबसे पहले ये हम लोग कोशिका बना रहे हैं, यहां पे एनिमल कोशिका बना रहे हैं, ये सबसे पहले हम लोग कोशिका बना लिए। यहां पे हम लोग क्या कर लिए, थोड़ा सा सेंट्रोमियर बना लिए,
फिर यहाँ पे न्यूक्लियस बना लिए, बीच में ये धागा बना लिए, यहाँ पे हम लोग गोल्जी काय बना लेते हैं यानी गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी बना लिए, यहाँ पे थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया बना लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना लेते हैं हम लोग। फिर हम लोग यहाँ पे राइबोसोम बना लेते हैं, लाइसोसोम बना लेते हैं, लाइसोसोम बना लेते हैं। फिर इसमें साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव सब जगह भर देते हैं। अब ये हम लोग देखेंगे, इससे समझ जाएंगे। सबसे पहले प्लांट का सेल में एक ऊपर लेयर होता है जिसको सेल वॉल कोशिका भित्ति कहते हैं। यहां पे सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली। सबसे जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा। दूसरा हम लोग इसको क्या कहते हैं, सेंट्रो, सेंट्रोसोम। अभी सबको हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे एक एक करके, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेंट्रोसोम फिर हम लोग इसको यहां पे लिखे हैं तो इसको लिखेंगे। इसको लिखने से पहले ना थोड़ा सा ये काम कर लेते हैं, ये जो अंदर है, ये जो फ्लूड भरा हुआ है, इसको कहते हैं कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, यानी इसको अंग्रेजी में लिख देते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमारा हो गया सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। अच्छा, ये हो गया गोल्जी का, गोल्जी का। जिसको हम लोग गोल्जी बॉडी कहते हैं। फिर हमारा ये हो गया लाइसोसोम, लाइसोसोम या लाइसो जोम भी पढ़ सकते हैं, लाइसोसोम। फिर हमारा ये हो गया, यहां थोड़ा इसको ऊपर लेके आते हैं, ये वाला, ये हो गया हमारा केंद्रक झिल्ली, केंद्रक, केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर हमारा ये हो गया अंदर, इसको हम लोग पहले कर लेते हैं अंदर वाला, थोड़ा ये देखेंगे अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर। देखिए, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो द्रव रहता है उसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर रहता है उसको कहते हैं हम लोग केंद्रक द्रव। अब ये क्यों बता रहे हैं, चूंकि जीव द्रव यही दोनों मिलकर बनता है, केंद्रक द्रव इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। हम बोल रहे हैं छोटा छोटा लिख रहे हैं, इसलिए थोड़ा इसको पूरा एडजस्ट भी करना है। इसको कहते हैं अंतर यानी इंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अंतर द्रव जालिका, जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर यहां हो गया राइबोसोम, राइबोसोम या राइबोसोम, राइबोसोम या राइबोसोम। फिर हम लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ सब चीज देख लिए, ये अंदर
केंद्रक यदि न्यूक्लियस रहता है, केंद्रक झिल्ली दे दी, इसी को हम लोग क्या कह दिए, न्यूक्लियस कह दिए, केंद्रक, केंद्रक को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, नाभिक, न्यूक्लियस। अच्छा यहां पे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया बचा हुआ है, अभी माइट्रो कॉन्ड्रिया, तो ये देख लिए हम लोग। तो ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, यानी सेल में जो पाए जाते हैं वो ऑर्गेनेल्स। हम लोग एक एक करके सारे का स्टडी करेंगे, यानी सबसे पहले हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का करेंगे, फिर थोड़ा सा अभी अभी हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं इसका, और इसको एक एक करके माइक्रोस्कोप से देखा गया। तो जिस माइक्रोस्कोप से देखा गया वो तीन टाइप का होता है। हम लोग जिससे स्टडी करते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर का करते हैं, और वो स्ट्रक्चर होता है किसका, याद रखेंगे, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, उसको अल्ट्रा स्ट्रक्चर कहते हैं। उसी से देख के ये सब स्टडी किया गया है। तो सबसे पहले वहाँ माइक्रोस्कोप देखने से पहले थोड़ा सा जान जाए, सबसे बाहरी जो सरफेस होता है, अगर एनिमल सेल है, ये एनिमल सेल है, जंतु कोशिका, एनिमल सेल, तब तो सबसे ऊपर बाहरी प्लाज्मा झिल्ली होगा। लेकिन अगर प्लांट सेल रहता तो उसके सबसे बाहरी लेयर पर कोशिका भित्ति रहती है। प्लांट सेल में क्या रहता है, पादप, पादप कोशिका में बाहरी लेयर कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति होती है। और इसमें कुछ और क्लोरोप्लास्ट ये सब पाए जाते हैं, जो प्लांट में पाए जाते हैं, एनिमल में वाले में नहीं पाए जाते। तो हम लोग इसमें सबसे पहले गॉल्जी बॉडी याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया याद रखना है, और सारे ऑर्गेनेल्स का एक एक करके अध्ययन करना है, और इसको हम लोग देखा जाए। तो हम लोग मेल ऑर्गेनेल्स किसका किसका अध्ययन करेंगे, तो ये भी थोड़ा हम लोग देख लें, यहाँ पे जो माइक्रोस्कोप के बारे में हम बोल रहे थे उसका देख लीजिए, उसको देख लिया जाए थोड़ा यहाँ पे। तो सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप होता है जिससे ये देखा जाता है, उसका भी स्टडी हम लोग अभी कर लें। तो जो माइक्रोस्कोप होता है उसको देख, माइक्रोस्कोप आप इसमें तीन याद रखेंगे, पहला साधारण या सिंपल, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप को जो खोजा था उनका नाम था एंटोनी वॉन लेवेनहॉक, ये याद रखेंगे, ये हम लोग जानते हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप एंटोनी वॉन लेवेनहॉक, एंटोनी वॉन लेवेनहॉक इसके खोजकर्ता थे। फिर दूसरा जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इससे थोड़ा सा डेवलप हुआ ये, यानी संयुक्त माइक्रोस्कोप हम हिंदी में बोल देते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसको हम लोग कहते हैं संयुक्त माइक्रोस्कोप। अब इसको खोजने वाले थे एच जेनसन और जेल जेनसन, एच जेनसन और जेड जेनसन, ये दोनों भाई थे और चश्मा का दुकान भी चलाते थे। तीसरा जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिससे इस सारे का स्टडी किया गया सेल स्ट्रक्चर का, और तीसरा था क्या याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इसके खोजकर्ता थे नॉल एंड रुस्का, नॉल और रुस्का, नॉल एंड रुस्का। तो ये तीनों माइक्रोस्कोप को हम लोग याद रखेंगे, फिर एक एक करके इसका स्टडी करेंगे। इससे देखा गया स्ट्रक्चर को अल्ट्रा स्ट्रक्चर कहते हैं, अल्ट्रा, अल्ट्रा स्ट्रक्चर कहते हैं। इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसके खोजने वाले का नाम याद रखा जाएगा, जिससे क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। फिर ये हमारा कोशिका रहा। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे जो स्टडी करेंगे, तो जैसे ये हमारा सेल हो गया, ये हमारा न्यूक्लियस,
तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म है और यहाँ पे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बताए हैं, साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियोप्लाज्म, ये दोनों को मिला के बनता है प्रोटोप्लाज्म। तो ये कुछ टर्म है तो सेल के बारे में यहाँ तक जाने। अब थोड़ा सा जो होता है मतलब कि डायरेक्ट क्वेश्चन, सबसे लंबा कोशिका, सबसे छोटा कोशिका, सबसे बड़ा कोशिका, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे और उसको फिर हम लोग आगे करते चले जाएंगे। और टाइप्स ऑफ सेल देखेंगे, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, फिर हम लोग ये इसलिए देखें इससे देखेंगे और फिर एक एक ऑर्गेनिज्म का हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोग अच्छा लग रहा हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।